नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अभी हाल ही में आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म सिनेमा घरों में उतना कमाल नहीं दिखा सकी जितना की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस फिल्म ने सबको ये सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में आजादी से पहले हमारे देश में ऐसे ठग हुआ करते थे जिनके आगे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाया करती थी। इन ठगों ने ऐसा कहर बरपाया हुआ था कि अंग्रेजों को इनसे निपटने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा था। आइए हम आपको थग्स ऑफ हिंदुस्तान के असली ठगों की कहानी बताते हैं। 19वीं सदी में ठगों ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजी लेखक फिलिप मेडोज टेलर ने अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ अ ठग में ठगों की जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। 1839 में लिखी इस किताब में आमिर अली नाम के ठग ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस किताब के मुताबिक ठग बेहद रहस्यमय और खुफिया जिंदगी जिया करते थे। इनके गिरोह में हिंदू और मुसलमान सभी शामिल हुआ करते थे। इनकी अपनी खुफिया भाषा होती थी और ये अपने अपने धर्म और रीति रिवाज का पालन किया करते थे। किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले शुभ मुहूर्त और पूजा पाठ किया जाता था। ज्यादातर ठगों के गिरोह माँ काली की पूजा करते थे। ये लोग शगुन अपशगुन के हिसाब से काम करते थे। वारदात से पहले कस्सी यानी कुदाल की भी पूजा हुआ करती थी। कस्सी को गुड़ के शरबत, दही और बाद में शराब से धोया जाता था। इस कुदाल से लोगों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जाता था। ये लोग 20 से 50 की संख्या में ग्रुप बनाकर निकलते थे और तीन हिस्सों में बट जाया करते थे। एक टोली आगे, दूसरी बीच में और तीसरी सबसे आखिर में चलती थी। इनका मानना था कि किसी भी शख्स को बिना खून बहाए मारा जाए और तब तक उसे खत्म ना किया जाए जब तक उससे धन मिलने की उम्मीद ना हो। ये लोग रूप बदलने में माहिर थे। वे जरूरत के हिसाब से तीर्थयात्री, बाराती, मजार के जायरीन या नकली शव यात्रा निकालने वाले बन जाते थे। इन सभी में जबरदस्त तालमेल हुआ करता था। इशारा होते ही ये अपने शिकार के गले में फंदा डाल देते थे जिससे 2-3 मिनट में वो इंसान तड़प तड़प कर मर जाता था। इसके बाद आगे चल रहे ग्रुप को खबर दे दी जाती थी। तब तक वो कब्र खोद कर तैयार रखते थे। किसी भी अनहोनी की आशंका होने पर ये लोग वारदात टाल दिया करते थे। आमिर अली के मुताबिक वो 7 से 8 महीने तक अपने घर में ही रहा करते थे। ज्यादातर लोग उन्हें जमींदार समझा करते थे। ठगों का गिरोह आम लोगों के बीच मिलजुल कर ऐसे रहा करता था कि उनके पड़ोसियों तक को इस बात की भनक नहीं लगती थी।